Good morning, everybody. Dear students, in last class we have discussed the additions properties, and today we will start with our word problems of addition. Now, word problems kya hote hain? We have done the simple questions of addition, arrange in columns and then add. This type of questions we have also done. Today we will do word problem. Means जब भी आपको एडिशन का कोई भी क्वेश्चन है, एडिशन वाले क्वेश्चन को वर्ड्स में राइट कर दिया और उसके बाद अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो लाइक दिस, दिस क्वेश्चन इज गिवन इन वर्ड्स, एडिशन क्वेश्चन है बट वो वर्ड्स में रिटन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द वर्ड प्रॉब्लम. आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, अगर किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में अगर आपको क्वेश्चन वर्ड्स में गिवन है और उसको आपको सॉल्व करना होता है तो उसको हम बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम ऑफ द एडिशन सब्ट्रैक्शन में चल रहा है. सो टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4 वर्ड प्रॉब्लम्स. क्वेश्चन फर्स्ट इज अ कंपनी मेड 2,14,000 129 स्कूटर्स एंड 132,147 ट्रक्स इन वन ईयर. हाउ मेनी नंबर ऑफ व्हीकल्स वर मेड टुगेदर दैट ईयर. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या दिया बेटा कि जो एक कंपनी है वो एक ईयर में, वन कंप्लीट ईयर में कितने स्कूटर्स बनाती है, देन कितने नंबर ऑफ ट्रक्स द कंपनी मेड, देन आपको फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स की उसने वन ईयर में टोटल कितने स्कूटर्स एंड ट्रक्स कंस्ट्रक्ट किए, बनाए. सो हाउ वी राइट दिस, फर्स्टली वी राइट हियर द सॉल्यूशन. राइट सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, फर्स्टली वी राइट द स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन. जो आपको दे रखा है इसी में से आपने इसका सॉल्यूशन लिखना है. फर्स्ट क्या लिखना है, कंपनी मेड स्कूटर्स. राइट हियर अ कंपनी made scooters in 1 year. Right here the number of the scooters 2,40,129. Then second क्या बनेगा, trucks. Then right here a company made trucks in 1 year. I like to read that shape. So I've created 2 lines with you, but that means जो हमने ऊपर लिखा है सेम एज इट इज नीचे. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, अ कंपनी मेड ट्रक्स इन 1 year. Then write the number 132,147. Clear after this. But we have to find total number of the vehicles. Right here, total number of vehicles made in 1 year. Then total के लिए हम क्या करेंगे, here we add this. ठीक है, now we add this. 9 plus 7 is 16, then 1, 8, then 4 plus 2, 6 plus 1, 7, 1 plus 1, 2, 4 plus 2, 6, 3 plus 1, 4, 2 plus 1, 3. Then आपका आंसर क्या आया, 3,46,207.
1 ईयर में इतने व्हीकल्स बनाए हैं, ड्रग्स और स्कूटर्स टोटल कितने बनाए हैं, दिस नंबर। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट अपीयर इन क्लास 12 एग्जाम वाज 1,77,358 in the year 2006. Then 2,48,037 in year 2008. And 3,18,909 in year 2009. How many students appeared for examination from year 2007 to 2009? Firstly, understand, बेटा जब भी वर्ड प्रॉब्लम करते हो ना, तो फर्स्टली जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, रीड दैट क्वेश्चन 2 and 3 times, ठीक है? वन टाइम में समझ नहीं आ रहा है उसको, सेकंड टाइम रीड करिए, देन अंडरस्टैंड द मीनिंग। अगर मीनिंग समझ आ गया तो देन क्वेश्चन इज वेरी इजी। सो क्या है इसमें कि 12th के एग्जाम हुए, क्लास 12th के एग्जाम हुए, उसमें 2000 ईयर में कितने स्टूडेंट्स पास हुए, सोल्यूशन Firstly, write here the number of the students appeared in year 2007. Write here number of students appeared in year 2007. अब 2000 में कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं? 1,77,358. The number of students appeared in the year 2008. Right? How many students? 2,48,036. Then number of students appeared in year 2009. अब 2009 में कितने students पास हुए थे? 3,18,909. Find out that the total number of the students appeared. Then write here total students appeared from 2007 to 2009. Clear? Now total में हम क्या करते हैं? Add all the even numbers. तो add this 8 plus 7 is 15. 15 plus 9 is 20. 20. Then 2.
Next question is, Raj deposited rupees 1,35,750 in a bank. अब ये क्वेश्चन क्या है ना, इसमें क्या है, राज ने 1,35,750 रुपीज एक बैंक में डिपॉजिट किए, ठीक है. देन अपनी डिपॉजिटेड रुपीज 45,950 मोर देन द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय राज. अब अपनी ने क्या किया है, राज से इतने ज्यादा रुपीज जितने राज ने डिपॉजिट किए ना उसके 45,950 ज्यादा रुपीज बैंक में डिपॉजिट किए. तो अब आपको क्या करना है, द टोटल सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड बाय द, फॉर एग्जाम्पल इफ देर आर टू स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ठीक है, आपके क्लास में टू स्टूडेंट हैं, एक का नाम नीम राज है, सभी का अपनी. अगर राज के पास 40 रुपीज है और हम ये बोलते हैं राज के पास कितने रुपीज है, राज के पास 40 रुपीज है और अपनी के पास राज से 30 रुपीज ज्यादा है, कितने रुपीज ज्यादा है, मोर 30 रुपीज मोर, ठीक है, हाउ मच रुपीज 30 मोर देन राज. तो अग्नि के पास टोटल कितने रुपीज है, ठीक है, अग्नि के पास कितने हैं टोटल, राज से 30 ज्यादा है, उसके लिए क्या करेंगे, 40 प्लस 30 मीन्स उसके पास टोटल कितना अमाउंट है, 70 रुपीज, ठीक है. अग्नि के पास जो है वो अमाउंट 70 है, राज के पास है 40, और आपको निकालना है दोनों का टोटल अमाउंट कितना है. तो आप क्या करोगे, टोटल अमाउंट के लिए, टोटल अमाउंट क्या करोगे, 40 प्लस 70, ठीक है, अग्नि राज और अग्नि दोनों का आप एड कर लीजिए, 7+2 ले. तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर है बेटा, राज के पास कितने रुपीज है, अपनी के पास राज से कितने जा रहे हैं. तो फर्स्टली हमें अपनी का टोटल अमाउंट निकालना है, ठीक है, टोटल के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को फर्स्टली ऐड करेंगे तो अपनी का अमाउंट आएगा, ठीक है, फिर उन दोनों को हम दोनों ने क्या किया अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया, दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का टोटल अमाउंट आ जाएगा. Clear this? See, अब कैसे करना है, राइट हियर इन सॉल्यूशन, द मनी राज है, राज money, how much rupees Raj has, he have 1,35,750. ab apni ke paas kitne hain, more amount of he have, कितने है उसके पास, रुपीज 45,950. यू कैन राइट द मोर अमाउंट दैट वी हैव, यू कैन एड दैट वर्ड आल्सो देयर, मोर अमाउंट दैट वी हैव. अब जो यहाँ पे अमाउंट आएगा किसका अमाउंट आएगा, टोटल मनी अपनी है, जितनी अपनी के पास टोटल मनी है वो आएगी. तो राइट हियर
total amount that Avni है. अब Avni के पास जितने total money है वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे. At 0 + 0 = 0, 5 + 5 = 10, 1 = 9 + 1 = 10 + 7 = 1 = 5 + 5 = 10 + 1 = 1 = 4 + 3 = 7 + 1 = 8 = 1 = 6. तो ये आ गया हमारा जो टोटल अमाउंट अपने के पास. अब हमें क्या करना है, दोनों का टोटल अमाउंट निकालना. सो वी राइट हियर राज डिपॉजिटेड मनी या डिपॉजिटेड अमाउंट भी आप लिख सकते हो. ठीक है, डिपॉजिटेड मनी हाउ मच मनी वी डिपॉजिटेड दिस राइट रुपीज 1,35,750. अब अपनी ने कितना डिपॉजिट करवाया, अपनी डिपॉजिटेड मनी दिस अमाउंट राइट रुपीज 1,81,700. अब आपको निकालना है क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द टोटल सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड बाय देम. टोटल मनी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी जो हमने डिपॉजिट करा है. तो राइट है टोटल मनी डिपॉजिटेड बाय बोथ, दोनों ने कितना अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करवाया है वो हमें निकालना है. तो प्लस करेंगे 0 + 0 = 0, 5 + 0 = 5, 7 + 7 = 41, 1 + 5 = 6, 6 + 1 = 7, 8 + 3 = 11, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3. तो टोटल अमाउंट हमारा कितना आया, these rupees. आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आया रुपीज 3,17,450. क्लियर, सी वंस अगेन हम इस क्वेश्चन में क्या करना है, फर्स्टली Avni का टोटल अमाउंट निकालना है. तो Avni का टोटल अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, राज के अमाउंट में Avni के पास जितने उससे ज्यादा मनी उसको ऐड करेंगे, Avni का टोटल अमाउंट आ जाएगा. उसके बाद अब दोनों ने बैंक में टोटल कितना डिपॉजिट करवाया उसके लिए, राज और Avni दोनों के पास जितना टोटल अमाउंट था उसको ऐड करेंगे, देन वी गेट द टोटल अमाउंट. सो इन दिस वे वी विल डू दिस क्वेश्चन.